CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है टोपी। एक थी गौरैया यानी गौरैया और एक था गवरा यानी नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खूंटे से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खूंटे में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गौरा बोला। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगढ़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोमे रोमे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी के नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। पर और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। ये मेरा पोंगापन है, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से, गौरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। पर मेरी मान तू उस चक्कर में पड़ ही मत। नहीं, मुझे टोपी चाहिए, मुझे टोपी चाहिए। गौरा था तनिक समझदार, इसीलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया।
कहा गया है, जहां चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहा कर पूछा। मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। सही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। तो चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया होगा। फिर चाबुक हाथ लगते ही वो बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ता उम्र ये रटता रहा, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखती जा अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई। और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया, धुनिया भैया, इस रुई के फाये को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वो कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। चल। उज्र ना करो भैये, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। अच्छा ला ले, धुन देता हूँ। धुनिये को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए एक सपना थी। वो झट तैयार हो गया। घर चौ घर चौ, उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो लो इसे। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहां गए और कहने लगे, कोरी भैया, कोरी भैया। हाँ क्या है? इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वो बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। अरे मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? हैं?
कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। पर राजा जी के लघुए भगवे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं काट देता हूँ। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। आधा मिलेगा और अच्छी तरह करता हूं। काफी महीन और लच्छेदार सूत का दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। बुनकर भैया, बुनकर भैया। क्या है? इस कटे सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो या नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया। गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। क्या कहा? आधा मैं ले लूं? आधा मैं ले लूं? बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वो तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। हो गया। गवरैया ने तीन चौथाई मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए लिए वो एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। टोपी? खिसकते हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखती नहीं, राजा जी की सातवीं रानी से नौ बेटियों के बाद दसवां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दस रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि दो टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। हाँ, दो टोपियां, एक टोपी मैं ले लूं? ठीक है ठीक है, तो ला ला। ये लो। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मूजी तैयार ना होता। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने दो टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर पांच फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही, डेढ़ टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने।
गबरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गबरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। लीजिए महाराजा। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गबरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गबरैया से टकरा गई। गबरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वो तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया, जल्दी कराओ। जी महाराज, अभी लेकर आते हैं महाराज। लीजिए महाराज टोपी। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी। गबरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में 1 भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाल, वो बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो। जी महाराज। पकने न उछलो सिपाहियों, देर न करो। क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, इसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। जी महाराज। एक सिपाही ने गुलेल माल कर गबरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। लीजिए महाराज टोपी लीजिए। राजा टोपी को पैरों से मसल नहीं जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वाह, इतनी सुंदर टोपी। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वो जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट के मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, दुहाई। हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी बख्शे। माफी नहीं,
वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। महाराज जान बख्शे। महाराज जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने बुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया। जी सरकार, जी सरकार। हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार जी। धुनिए ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दें तो बोलू सरकार। चलो दिया, अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। गबरैया फिर चिल्लाने लगी। ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने। राजा तो कंगाल है, इसने मेरी टोपी छीन ली, इसने मेरी टोपी छीन ली। मंत्री ने हौले से कहा। ये मुंह पर तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा। इसकी टोपी वापस कर दो, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी। ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कान इस मुंह फटके मुंह लगे। क्यों मंत्री जी? जी महाराज। ये कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। टोपी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख संजय, कलाकार नीरज शर्मा, राम मैनी, कीमती आनंद, विद्याभूषण, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा, प्रवीण शर्मा और हरदीप सिंह, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग
दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण, ध्वनि संपादन और प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।